इंडियन पेरेंट्स एजुकेशन और स्कूलिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए दे मेक श्योर कि उनका बच्चा सबसे बेस्ट एजुकेशन ले। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करते हैं और इसीलिए कुछ कुछ पेरेंट्स तो एनुअली लैक्स ऑफ रुपीज़ की फ़ीस भी भर देते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे स्कूल्स के बारे में बताएंगे जिनमें से कुछ की एनुअल फ़ीस तो IIT और IIM पास आउट्स की एनुअल सैलरी पैकेज से भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि शिक्षा न्यूज़ अफोर्डेबल एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल के कंसेप्ट में ही बिलीव करता है। हमें यही लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन पैसों से नहीं, बच्चों के इंटेलेक्ट और उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर उन्हें दी जानी चाहिए। अगर आपका भी यही मानना है तो हमारी इस सोच को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। हेलो गाइज, दिस इज़ केशव कोठारी फ्रॉम शिक्षा न्यूज़ एंड दिस इज़ द 10 मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स ऑफ इंडिया। नंबर 10, वेलम बॉयज़ स्कूल। वेलम बॉयज़ स्कूल उत्तराखंड के देहरादून में हिमालय की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक बॉयज़ ऑनली स्कूल है। इस स्कूल की शुरुआत ईयर 1937 में की गई थी। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले लोगों में मणिशंकर अय्यर, नवीन पटनायक, संजय गांधी, विक्रम सेठ, कैप्टन अमरेंद्र सिंह जैसे और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं। यहाँ की एवरेज एनुअल पर स्टूडेंट फीस 6.5 to 7 lakh रुपीज़ तक जा सकती है। नंबर 9, वेलम गर्ल्स स्कूल। वेलम गर्ल्स स्कूल को पहले वेलम गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था। ये भी वेलम बॉयज़ स्कूल की तरह उत्तराखंड के देहरादून में हिमालय की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है। इस स्कूल को भी 1937 में वेलम बॉयज़ स्कूल शुरू करने के थोड़े टाइम बाद देहरादून में शुरू किया गया था। यहाँ पर पढ़ने वाली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी यूनिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की एवरेज एनुअल फ़ीस 7,25,000 रुपये तक हो सकती है। नंबर 8, विनबर्ग एलन स्कूल। विनबर्ग एलन स्कूल उत्तराखंड के मसूरी में सिचुएटेड है और इंडिया के सबसे पुराने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। इस स्कूल की शुरुआत मसूरी की कुलरी हिल्स के पास में ईयर 1888 में की गई थी। यहाँ पर पढ़ने वाले 70% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स बोर्डिंग स्टडीज़ के लिए ही यहाँ आते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की एवरेज एनुअल फ़ीस 4.5 लाख रुपये से लेकर 7,70,000 रुपये सालाना हो सकती है। नंबर 7, स्टोन हिल इंटरनेशनल स्कूल। स्टोन हिल इंटरनेशनल स्कूल कर्नाटका के बेंगलोर में सिचुएटेड है और इसका कैंपस 34 एकर्स में फैला हुआ है। ये इंडिया का पहला ऐसा इंटरनेशनल स्कूल है जो एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स इन इंडिया, ईस्ट एशिया रीजनल काउंसिल ऑफ स्कूल्स एंड ऑस्ट्रेलियन बोर्डिंग स्कूल्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। इस स्कूल में पढ़ने वाले एक एवरेज स्टूडेंट की एनुअल फ़ीस 9 लाख रुपये तक हो सकती है। नंबर 6, मसूरी इंटरनेशनल स्कूल। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल उत्तराखंड के मसूरी के प्रिंसटन हिल्स में सिचुएटेड है और ईयर 1984 में शुरू किया गया था। ये भी एक ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है जो दिल्ली के CISCE से एफिलिएटेड है। पिछले 30 सालों में यहाँ पर 27 डिफरेंट कंट्रीज से लड़कियाँ पढ़ने आ चुकी हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट की एवरेज एनुअल फ़ीस 5.5 लाख रुपये से लेकर 9,75,000 रुपये हो सकती है। नंबर 5, दून स्कूल फ्रॉम देहरादून। दून स्कूल उत्तराखंड के देहरादून के पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक बॉयज़ ओनली बोर्डिंग स्कूल है। इसकी शुरुआत ईयर 1935 में की गई थी। इस स्कूल के कैंपस के आसपास काफ़ी हरियाली है और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल स्पेस और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। दून स्कूल इंडिया के सबसे महंगे स्कूल्स में से एक है। टाइम्स ऑफ इंडिया, BBC न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स और ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस ने इंडिया के बेस्ट स्कूल्स की रैंकिंग में इसे टॉप पर रखा है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में से एक माना जाता है। राजीव गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अली फजल, इमाम शाह और ऐसे बहुत सारे जाने माने लोग और हस्तियाँ यहाँ से पढ़कर निकले हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की एवरेज एनुअल फ़ीस 10 लाख रुपये से 10.5 लाख रुपये साल तक हो सकती है। नंबर 4, इकोल मोंडियाल वर्ल्ड स्कूल। इकोल मोंडियाल वर्ल्ड स्कूल मुंबई में सिचुएटेड है और वहाँ के इनफैक्ट इंडिया के काफ़ी जाने माने और एलीट स्कूल्स में काउंट किया जाता है। ये इंडिया के उन चुनिंदा स्कूल्स में से है जहाँ पर IGCSE यानी कि इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पैटर्न पर भी पढ़ाई कराई जाती है। इस स्कूल की एवरेज एनुअल पर स्टूडेंट फीस 10 लाख से 11 लाख रुपये तक हो सकती है। नंबर 3, सिंधिया स्कूल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिचुएटेड सिंधिया स्कूल एक बॉयज़ ओनली बोर्डिंग स्कूल है।
ये स्कूल ग्वालियर की एक पहाड़ी पर बने हुए ग्वालियर फोर्ट में ही रन किया जाता है। पहले ये फोर्ट ग्वालियर के महाराज का किला हुआ करता था और यहीं पर तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे इंडियन लेजेंड्स ने ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ में लड़ाई की थी। सिंधिया स्कूल की शुरुआत ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया ने 1897 में की थी। कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जैसे सलमान खान, उनके भाई अरबाज खान, बॉलीवुड फेमस डायरेक्टर अनुराग कश्यप, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ओनर मुकेश अंबानी, ये सभी इस स्कूल से पढ़कर निकले हैं। इस स्कूल की एवरेज एनुअल पर स्टूडेंट फीस 12 लाख रुपए तक हो सकती है। नंबर 2, मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज राजस्थान के अजमेर की अरावली हिल्स में सिचुएटेड एक बॉयज़ ओनली रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल है। इसकी शुरुआत 1875 में रिचर्ड बोक ने की थी। ये इंडिया के सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूल्स में से एक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलने और सीखने की फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, स्क्वाश, गोल्फ कोर्स, पोलो ग्राउंड, यहाँ तक कि 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग रेंज भी अवेलेबल है। यहाँ से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जैसे टीनू आनंद, विवेक ओबेरॉय, राइटर इंदिरा सिन्हा एंड सुल्तान ऑफ ओमान, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ पढ़कर निकली हैं। इस स्कूल की एवरेज एनुअल पर स्टूडेंट फीस 6.5 लाख रुपए से 13 लाख रुपए सालाना तक हो सकती है। नंबर 1, वुडस्टॉक स्कूल। वुडस्टॉक स्कूल उत्तराखंड के मसूरी में पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक स्कूल है जो 1854 में शुरू किया गया था। 160 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना ये स्कूल इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल है। इसका कैंपस 250 एकर्स में फैला हुआ है। इस स्कूल में सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ की एवरेज एनुअल पर स्टूडेंट फीस 16 लाख रुपये से लेकर 17,65,000 रुपये सालाना तक हो सकती है। 17.65 लाख तो एक स्कूल के एनुअल फीस के हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इनमें से किसी स्कूल में पढ़े हैं या फिर कोई आपका पहचान वाला ऐसे स्कूल में पढ़ा है तो उनसे ज़रूर पूछकर बताइए कि ऐसे स्कूल्स में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जो इन्हें इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। इस वीडियो को अपने उन सभी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अपने बच्चों को महंगे स्कूल्स में पढ़ाकर कॉस्टली एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। शिक्षा न्यूज़ रेगुलर बेसिस पर ऐसे कई सारे वीडियोज़ बनाता है ताकि आप तक अनडिस्कवर्ड इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए ताकि आप तक रेगुलर न्यूज़ अपडेट्स पहुंचती रहें। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षा न्यूज़ गाइज़।